ब्रेक के बाद आपको बताएं कि डाक खाने में बिजली और दीगर यूटिलिटी बिल्स जमा करवाने वाले हो जाएं होशियार। यूटिलिटी बिल्स की रकम मुतल्लिका इदारों तक पहुंचने की बजाय फ्रॉड का शिकार होने लगी हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है, मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, सईद अहमद सईद से जानते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, डाक खाने में जमा करवाए गए जो यूटिलिटी बिल्स की रकम जो है वो मुतल्लिका इदारों तक पहुंचने की बजाय फ्रॉड का शिकार है वो होने लगी है। और इस हवाले से इस्लामाबाद डाक खाने में सार्फीन के जमा करवाए गए जो बिजली के बिल्स हैं उनकी मुतल्लिका इदारों में अदायगी ना होने का इंकशाफ है वो हुआ है। और इंकशाफ जो है ये सार्फीन के बिलों की अदम अदायगी पर लेफ्को की जानब से जो मीटर कार्डिंग पर हुआ है और इसके ऊपर मुतल्लिका हकाम ने एक्शन लेते हुए साबित पोस्ट मास्टर इस्लामाबाद डाकखाना मतीन खान को जो है वो मोटर करके उसके खिलाफ इंक्वायरी के लिए कमेटी है वो तश्कील दे दी है। और राय का ये कहना है कि सार्फीन जो है बिजली के बिलों की मद में जमा करवाए गए पैसों की वापसी के लिए डाकखाने के चक्कर लगा रहे हैं, जिसके ऊपर मुतल्लिका हकाम ने जो SHO इस्लामाबाद है उसको एक लेटर भी लिखा है कि जो सार्फीन है वो काफी मुश्किल हो चुके हैं और उनकी उनकी हिफाजत के लिए मुलाजमीन की और साथ सरकारी बिल्डिंग की हिफाजत के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी है वो तैनात की जाए। और साथ में ये हदायत भी कर दी गई है कि कमेटी जो बनाई गई है 5 रुकनी वो जल्द अज जल्द इसकी फाइंडिंग कर जो चीजें हैं वो रिपोर्ट है वो DS वेस्ट को है वो अरसाल करे। और जरा का ये कहना है कि इसके अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा सार्फीन है जिनकी कुल मालियत है वो 1 करोड़ रुपए के लगभग बन रही है, जिनकी बिजली के बिल हैं वो मुतलका अदारों को अदा। शुक्रिया सईद अहमद सईद।